कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग मज़े में होंगे। सुबह के 3 बजे हैं, मतलब कि रात के 3 बजे हैं, और मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और आज डेट है 27 मार्च। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपके साथ कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ। मैंने बहुत सोने की कोशिश की पर मुझे नींद नहीं आई, और 12 बजे के बाद मुझे नींद नहीं आती है ना, तो मुझे पता चल जाता है कि मुझे नींद नहीं आने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैंने एक बात आपके साथ शेयर की थी, आपको याद होगा शायद, कि मेरे हस्बैंड ने बैंक बैलेंस 0 कर दिया है। तो कैसे 0 किया है वो बात मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जब मैंने वो बात आपके साथ शेयर की थी ना, तो एक कमेंट थी जिसमें स्माइली ऐसे 2-3 लगाए गए थे, और बोला गया था कि अब हस्बैंड ने 0 बैंक बैलेंस 0 कर दिया है। तो वो मजाक नहीं था, क्योंकि मैंने कोई मजाक के मूड में वो बात बोली नहीं थी। फिर मैंने उनको लिखा था नीचे कि डियर, ये कोई मजाक की बात नहीं है, आपको मजाक लग रहा है, पर किसी के लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। फिर पता नहीं उनको बुरा लगा या मुझे कुछ नहीं पता, रिमूव कर दिया था अपने आप से ही। तो कमेंट करने से पहले सोच लीजिए यार, कि एक बार आप उनकी जगह पे होते तो क्या करते। खुद को रख कर सोचिए, दूसरों की बात आपको इतनी इजीली लगती है। जब वो सहते हैं, सामने वाला वो सहता है, वो रहता है, कैसे करता होगा, तो खुद को उसकी जगह पर रख दीजिए। तो बस कैसे किया वो मैं आपको बताती हूँ। मेरे ससुर और सास दोनों टीचर में थे। सास अभी है, ससुर नहीं रहे हैं, तो दोनों रिटायर्ड थे। और जब रिटायर हुए मेरे ससुर, तो उन्होंने पहले थोड़े पैसे, फिर थोड़े पैसे, ऐसे करते करते चारों भाइयों, मतलब जिगर के 3 और भाई हैं, तो जिगर होकर 4 भाई हैं वो, तो चारों भाइयों के नाम पर थोड़े थोड़े पैसे रख दिए थे। दो बार ऐसे पोस्ट में फिक्स रख दिए थे। जब उन्होंने पोस्ट में फिक्स रखा था, तब मुझे बोला था कि ये जो पैसे है ना दिव्या और जानसी, बच्चों के फ्यूचर के लिए, मतलब कि फ्यूचर की पढ़ाई के लिए मैं रख रहा हूँ, तो आप उनकी पढ़ाई में ही यूज़ करना। तो मैं समझ गई थी कि ये पैसे जो है मेरे बच्चों के फ्यूचर के लिए हैं, हमारे लिए नहीं है। मतलब कि हमारे लिए भी है, पर बच्चों के फ्यूचर के लिए मोस्ट टाइम है। तो फिर मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे ससुर बीमार हुए, उनको कैंसर था, तो लास्ट में बहुत बीमार रहे। तो ये यहाँ से गए थे, रात को वहाँ हर रोज जाते थे, क्योंकि पूरी रात उनको देखना पड़ता था, ये सब कुछ था। तो वो तो मैं कभी आपके साथ डिटेल शेयर करूँगी। और फिर उसी समय पर मेरे ससुर ने वापस एक बार चारों भाइयों को 5-5 लाख रुपए दिए थे, जो उनके रिटायरमेंट के पैसे आए थे उसमें से, लास्ट में जो बच गए थे, तो चारों भाइयों को 5-5 लाख रुपए दिए थे। और मुझे इसी बात की थोड़ी सी भी भनक नहीं थी। और फिर क्या हुआ, पिछले साल दिवाली के बाद मैंने सोचा चलो घर का रिनोवेशन करवा देते हैं, क्योंकि नीचे जो मेरा घर था ना, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। और फिर क्या होता था कि बारिश की सीजन में पूरे घर की हालत इतनी ख़राब हो जाती थी कि घर के अंदर भी बारिश होती थी और घर के बाहर भी बारिश होती थी, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो फिर मैंने सोचा चलो दिवाली के बाद, हर साल ऐसे नहीं चलता यार, बारिश की सीज़न में रात रात भर जागो, कहीं पे भी पानी गिरता है और पूरा घर का सामान बिगड़ता है। तो सोचा चलो घर का रिनोवेशन करवा लेते हैं। तो बस नीचे का रिनोवेशन ही करवाना था, ऊपर घर ऐसे बनाना ही नहीं था। तो फिर फ्रेंड्स, ये ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर प्लीज़ मेरी बात ज़रूर सुनना। तो फिर मैंने क्या किया कि जिगर को बोला कि चलो घर का रिनोवेशन करवा लेते हैं, घर की हालत बहुत ख़राब हो गई और किचन की तो उससे ज़्यादा। तो नहीं, कितनी बार बोला तब जाकर कारीगर को लेकर आए और घर का एस्टीमेट निकलवाया। फिर बोला कि मुझे पता नहीं कैसे क्या दिमाग में आ गया, मैंने सोचा कि ऊपर एक बड़ा हॉल खींचवा लेती हूँ, रूम नहीं लगानी है, बस एक बड़ा सा हॉल, ताकि नीचे का जो घर है ना वो सेफ्टी, उन घर को सेफ्टी मिल जाए और घर थोड़ा ज़्यादा टिकाऊ हो जाए। तो फिर जिगर को मैंने बोला कि चलो ऊपर एक हॉल भी खींचवा लेते हैं, अगर काम चालू किया है तो साथ साथ में वो भी कर लेते हैं, पैसे थोड़े इधर उधर हो जाएंगे, उसमें क्या। तो बोले नहीं, मेरे पास 1 लाख रुपये ही है। मैंने बोला ठीक है। मुझे ऐसा था कि हम लोन लेने की बात चली थी, तो फिर मैंने बोला था कि जब भी लोन लो तो एक बार एस्टीमेट निकलवाओ, उसके बाद मुझे पूछना
फिर बाद में लोन लेना, क्योंकि 10-20 हज़ार या 50 हज़ार कम पड़ जाए तो किसी के पास मांगने से अच्छा है कि एस्टीमेट अगर 1 लाख रुपए का निकलता है तो आप डेढ़ या 2 लाख की लोन लो, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ कि वो बोले 1 लाख रुपए ही पड़ा है, फिर भी मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जली। फिर मैंने सोचा, क्योंकि भरोसा होता है वहाँ पे, आपको भरोसा होता है। अब आप कभी ऐसे अलग से सोच भी नहीं पाते हो ना, कोई पराया इंसान हो तो बात अलग है, ये तो अपने घर के खुद का वो इंसान हो तो उस पर तो आपको थोड़ा बहुत तो ट्रस्ट होगा, पूरा पूरा ट्रस्ट होगा। फिर मैंने एक दिन पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया कि यार 1 लाख रुपये है, 1 लाख रुपये है तो कहाँ से लाए 1 लाख रुपये। मैंने पूछा कि आप 1 लाख रुपये कहाँ से लाए हो, तो बोले कि जो पापा ने पहले फिक्स रखी थी ना, तो 1 साल पहले मैंने वो फिक्स रिन्यू करवाई थी, तब उस समय पर मैंने 1 लाख रुपये साइड में रख दिए थे। तो मैंने बोला 6 महीने पहले भी मुझे नहीं पता था कि घर का रिनोवेशन करवाना है, आपको 1 साल पहले कैसे पता चल गया, और आपने निकाला क्यों? वो मेरे बच्चों के फ्यूचर के लिए आपके पापा ने दिए हैं, आपने पर्सनल नहीं रखे हैं, तो उसमें तो ना ही मेरा हक है ना ही आपका हक है, बच्चों के फ्यूचर के लिए उन्होंने बोला था, तो फिर आपने उसमें से निकाले क्यों? तो बस मैंने उनको यही पूछा कि आपने क्यों निकाले, और आपने पूछा भी क्यों नहीं, मुझे पूछना चाहिए ना कि मैं ऐसा करता हूँ, और 1 साल पहले जब घर की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। तो फिर मेरा दिमाग हट गया, फिर मैंने बोला ठीक है, वो 1 लाख तो है ना, तो दूसरी 2 लाख की 5-6 लाख की लोन ले लो और ऊपर एक रूम खींचवा लो। तो बोले नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा है वैसा है। फिर मैंने जिद पकड़ी, और फिर पता नहीं क्यों मैंने कुदरती वो जिद इतनी पकड़ी ना, शायद कुदरत मुझे कोई और सच्चाई का सामना करवाने वाला था। फिर मैंने बोला ठीक है चले, तो आपके पास पैसे नहीं है ना, आपको लोन भी नहीं लेनी है, तो हम चलते हैं दूसरे घर, हमारा जो दूसरा घर है, मेरे देवर और सास सब रह रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ जाते हैं। और वहाँ जाकर मैं बोलूँगी कि पापा के जो भी रिटायरमेंट के पैसे आए थे ना, तो उसमें से हमारा जो हिस्सा है वो दे दीजिए, ठीक है ना। आज तक मैं अपने हक की चम्मच भी वहाँ पे सामने से मांगने के लिए नहीं गई हूँ, तो क्या मैं पैसों का हक लेने के लिए जाती? कभी नहीं। पर बस कैसे मेरे दिमाग में सब कुछ आ रहा था वो मुझे नहीं पता। मैंने 2-3 दिन तक यही जिद रखी, और झगड़ा भी हुआ। एक रात को मैंने बोला चलिए उठिए और चलते हैं हमारे दूसरे घर पे, और वहाँ जाकर आज तो मैं हिस्सा मांगूंगी। तो उससे उसकी फट गई, क्यों फटी वो भी बताती हूँ। मेरे ससुर ने है ना जो 5 लाख रुपये दिए थे ना, वो सारे पैसे उसने खर्च कर दिए, और ये बात मुझे 4 साल के बाद पता चली, जब मेरे ससुर नहीं रहे, उस बात के 4.5 साल हो गए। ये बात मुझे 4 साल के बाद, मतलब कि 3.5-4 साल के बाद मुझे पता चली कि मेरे ससुर ने जो 5 लाख रुपये दिए थे लास्ट में, सारे उन लड़कों को, ये 4 भाई हैं तो चारों को 5-5 लाख रुपये दिए थे, तो सबने अपनी अपनी हिसाब से, कोई किसी ने बैंक में रखा तो किसी ने पोस्ट में रखा, और इसने खर्च कर दिया। और ऐसे बोल रहा था जैसे 5 रुपये के सिंह चने नहीं चबा दिए हो, ऐसे बोल रहा था। और मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं बोली अनिल अंबानी या अदानी हो तो जैसे 5 लाख रुपये खर्च कर दिए हैं तो आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं है क्या? 5 लाख रुपये मतलब कि मेरे पास होते तो मैं 5 का 10 करती, और आपने तो ऐसे ही उड़ा दिए 5 लाख रुपये, और आपने समझा ही नहीं कि मुझे आकर घर पे बताओ कि मैंने 5 लाख रुपये खर्च कर दिए हैं। फिर तो मुझे पूरी रात इतना रोना आया और इतना गुस्सा आया कि बात ही मत पूछो। और ये तो जब मैंने इस घर का काम चालू करवा दिया तो अपने माँ बाप के घर चले गए। ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि घर का रिनोवेशन का काम चलता है, सुबह 7:30-8 बजे कारीगर आते हैं, 6 बजे तक रहते हैं, 6:30-6 बजे तक, तो आपको लगातार उनके पीछे ही रहना पड़ता है। जब कारीगर आते थे ना तो उसके बाद मुझे घर का कोई और काम भी नहीं होता था। अगर मैंने खाना नहीं बना लिया होता ना तो हम पूरे दिन भूखे भी रहते थे, ऐसा भी होता था। बच्चों को स्कूल भेजना, घर का पूरा काम करना और खाना बनाना सब कुछ, और दूसरा ये देखो घर का रिनोवेशन का सारा काम, कारीगर के साथ पूरे ऐसे खड़े रहो, कोई छोटी बात नहीं होती है, घर का काम चालू करवाओ और ऐसे आप खड़े रहो। किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की, तो बस वही बात का बहाना निकाला, मुझे सुबह जल्दी उठाती है, ये करती है वो करती है,
ऐसा करके दूसरे अपने मायके चले गए, बिस्तर पोटला लेकर अपने मायके चले गए। शर्म भी नहीं आई, नहीं इनको शर्म आई, नहीं उनके दूसरे घर वाले को किसी को शर्म नहीं आई, क्योंकि सबको पता था कि इसके घर पे काम चालू है, तो किसी को तो बोलना चाहिए ना कि यार तू यहाँ आकर क्यों रुका है, तेरे घर पे काम चालू है तो वहाँ जाकर वो सब कुछ देखना, अपने घर को संभालना। तो चले गए ऐसे, और फिर पूरा घर बन गया ना, तो पूरा घर बन गया। इसके बाद वापस आ गए, बिन बुलाए, तब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इतने बेशरम इंसान। फिर मैंने वो फिक्स तोड़वा दी ऊपर बनवाने के लिए, और लोन भी रखवा दी। तो जो पैसे मुझे घर खर्च में देते थे ना, तो उससे कहीं ज़्यादा पैसे उसके पॉकेट में रहते थे, तो वो पैसे कहाँ गए। और मैंने फिक्स तोड़वाई ना, उसके पीछे भी एक कारण था, क्योंकि मेरे पास एक और वजह थी, जो मैं LIC बीमा पैसा भरती थी, उसमें दो बीमा मेरे थे, पोस्ट में दूसरे खाते खुलवा कर रखे थे मैंने, सुकन्या योजना में पैसे भरती थी, ऐसे बहुत सारे अकाउंट मैंने खुलवा कर रखे थे, उसमें मैं पैसे रखती थी, बचत मेरी, तो मुझे उसका सहारा था। जब मैंने बुक आज तो मैं पूरा सब कुछ लेकर बैठी, ये सारी बुक अपनी मम्मी के यहाँ छोड़ कर आए थे 3 साल से, और मुझे ऐसा था कि उनकी तिजोरी में पड़ी है ये सारी बुक। जब मुझे किसी काम से इन बुकों की ज़रूरत पड़ी ना, तब मैंने मांगा ना, तो बोले कि दूसरे घर पे है, ये वो फिक्स तोड़वाई थी ना, तो उसके लिए बुक्स चाहिए थी मुझे, जो आप फिक्स में रखते हो ना, तो वहाँ से ये बुक्स देते हैं, वहाँ से पोस्ट में से, तो इसमें सब कुछ डिटेल होती है आपकी। तो फिर वो एजेंट आने वाला था यहाँ पे, लास्ट मेरी फिक्स टूटने वाली थी ना, तब तो फिर मैं गई ना लेने के लिए, वो तो स्कूल चले गए, उनको 3-4 बार बोला तो वो लेकर नहीं आए थे, फिर स्कूल चले गए, फिर मैं गई थी वहाँ लेने के लिए, मेरी सास ने मना कर दिया कि यहाँ पे कोई वो कुछ भी छोड़ कर नहीं गया है, आपको पता। फिर मैं बोली कि वो आपका नाम देकर गया है, और वो बोला है कि मम्मी के पास से ले लेना, ऐसे बोल कर गए हैं, तो आप क्यों नहीं दे रहे, झूठ क्यों बोल रहे, ऐसे करके इतनी गंदी गंदी बातें मुझे सुनाए ना, कि आप सोच भी नहीं सकते कि एक टीचर होकर ऐसी बातें बोल सकती है, इतनी गंदी लैंग्वेज। कभी कभी जिगर मेरे बेटे के साथ इतनी गंदी लैंग्वेज में बात करता है ना, कि मुझे सच में उसको कोई मान देने में कोई वो नहीं होता है, मैं जैसी हूँ ना वैसे ही फेस करती हूँ, सच में मुझे कोई अच्छा नहीं बनना है। कोई बाप अपने बेटे को इतनी गंदी गाली देता है, जब मैं इधर उधर हो जाती हूँ, यहाँ नहीं होती हूँ घर पे, तो वो मेरे बेटे को मारता भी है, और इतनी गंदी 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 गाली बोलता है ना, ऐसे बोलता है तुम साड़ी पहन लो, तुम तालियां ऐसे ऐसे तालियां लगा कर रख दो, चूड़ियाँ पहन लो, और बहुत गंदी गाली भी बोलता है। और फिर क्या हुआ पता है, कि बहुत झगड़ा किया, रात को मेरे दोनों देवर आकर बोले कि आप मेरी मम्मी के पास झगड़ा किया, ऐसा किया। अरे यार मैं झगड़ा करने नहीं आई थी, एक देवर तो वहाँ पे था, उनको पता था कि कौन गंदा बोला है, किसने गाली दी है। आपको तो क्या है, आपको ऐसा लगा कि भाभी आकर ऐसे गालियाँ दी गई, मैं तो कुछ नहीं बोली थी, शुरुआत किसने की थी, मुझे यहाँ पर मेरे बच्चों की जिंदगी दाव पर लग गई ना, उसकी मुझे थी। आपके बच्चों की फ्यूचर दाव पर लगती है ना, तब आपको होता है कि क्या होता है। मैंने 20 साल लगा दिए है इस घर को यहाँ तक पहुँचाने में, और बहुत मेहनत मजूरी की है, तब ये घर यहाँ तक पहुँचा है। जितना पसीना जिगर ने नहीं बहाया है ना, उससे कहीं ज़्यादा पसीना मैंने बहाया है। ये घर होता है, कोई जिसके घर पे रिनोवेशन का काम चलता है ना, उसको पूछ लेना कि उनके खुद के आदमी इतने सब कुछ जिम्मेदारी लेते हैं ना, फिर भी औरतों को घर में कितना काम रहता है। कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है, इस घर में क्या करना है मुझे कुछ भी नहीं आता था। वो तो मेरे पापा और मेरे भाई सब कुछ आकर कभी कभी देख लेते थे, और मैंने वही वीडियो भी रखा है, मेरे ओल्ड वीडियो में देख लेना। मेरी 2 भतीजियाँ यहाँ पे ट्यूशन में जाती हैं डेली, यहाँ से हमारे देवर देवरानियाँ सब कुछ निकलती थी। कभी किसी ने खड़ा रहकर ऐसा नहीं पूछा कि आपके घर का काम कहाँ तक पहुँचा है, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बोलना, किसी ने नहीं, ऐसे देखकर नए अनजान बनकर चले जाते थे। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है सच में, कोई अपना नहीं होता है, ठीक मैं वही समझ चुकी हूँ कि कोई अपना नहीं होता है, सब दिखावे होते हैं। मुझे बहुत नाज था सच में, एक टाइम ऐसा था कि मेरे इतनी देवरानियाँ हैं, देवर है, किसी बाहर वाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर हकीकत में
कभी जब आपको जरूरत होती है ना तब आपके साथ कोई खड़ा नहीं रहता है। जब आपका खुद अपना घर का इंसान नहीं खड़ा रहता तो दूसरों की क्या हम आशाएं रख कर बैठ जाए। फिर मैंने एक बुक मंगवाई ना, फिर मैंने एक दिन देखा तो 2018 में लास्ट में ये सारे पैसे, ये दो PLI की बुक है, ये दो बीमा एजेंसी का और एक हमारा ज्वाइंट बीमा है, और फिर एक ये जो है ना ये दूसरी बुक है, एक PPF, ये दिव्या के लिए मैंने पोस्ट में खाता खुलवाया था, पर दिव्या के नाम से नहीं खुल रहा था तो मैंने जिगर के नाम से खुलवाया था, और ये जो सुकन्या योजना एजेंसी की है। इन सब में मार्च 2018 के बाद एक भी रुपया इसने नहीं भरा है, और सारे बुक सब कुछ अपनी माँ के यहाँ छोड़ कर आ गए बस। तो आप एक शिक्षिका हो तो कभी भी आपने देखा होगा ना कि मेरे बेटे ने एक भी पैसा नहीं डाला है, तो पूछना चाहिए ना कि तूने पैसे क्यों नहीं डाले हैं। और जितना घर खर्च, तब भी कोई लोन नहीं थी, लोन पूरी हो गई थी, और एक गाड़ी की थी तो वो भी बाद में आई थी, 2018 या 19 में नहीं थी, शायद 20 में, 19 के लास्ट में या 20 में हमने गाड़ी ली थी। तो गाड़ी की लोन इतनी नहीं है कि आपकी आधी से ऊपर पेमेंट चली जाए, ठीक है ना। तो मुझे जितनी घर पेमेंट देते थे ना घर चलाने के लिए, उससे कहीं ज़्यादा पेमेंट तो उसके पास रहती थी, और घर में तो ऐसा कोई खर्चा तो करते नहीं थे, अभी भी नहीं करते। एक रुपये की चीज़ लानी हो तो भी वो बोलते हैं कि लाओ पैसा दो, बाद में मैं लाऊंगा, ऐसा ही चलता है। तो फिर ये सब कुछ आपने क्यों नहीं भरा 2018 से लेकर ये सब कुछ? तो जो पेमेंट के पैसे आपके पास रहते थे तो वो कहाँ गए? दिव्या ने बहुत बोला कि ये पैसे कहाँ गए, उसने सारे पैसे जुड़ जुड़ कर उनको बताया कि इतने पैसे आपके पास बचते हैं तो वो पैसे कहाँ खर्च कर दिए। 5 लाख की तो कोई गिनती नहीं है, वो तो कुदरती मुझे इतना वो हुआ कि मैंने रिनोवेशन करवाने का काम खड़ा कर दिया, तो वो 1 लाख रुपये मेरे घर में, घर के अंदर पड़ गए। कोई बात नहीं, चलो मैंने फिक्स सारी तुड़वा दी, इसी वजह से तुड़वा दी कि इस पर मुझे भरोसा नहीं था। तो मैंने एक प्रॉपर्टी खड़ी की है, मेरे पास उसका हिसाब है, और इसके पास ऐसा हिसाब, 1 रुपये का भी हिसाब नहीं है। तो वो सारे पैसे कहाँ गए 2018 से लेकर? और ये सारे पैसे है ना ऐसे मैंने जमा किए थे, इसमें अकाउंट खुलवाया था कि दिव्या की जब कॉलेज आएगी ना 12वीं के बाद उसकी कॉलेज, तो जो कॉलेज की फीस भरनी होगी ना, तो हमें ना ही लोन लेनी पड़ेगी और ना ही किसी के पास मांगने की नौबत आएगी, बस यहाँ से पैसे हमारे जो हैं, जो बचत के पैसे हमें मिल जाएंगे, और यहाँ हम ऐसे भर देंगे कॉलेज की फीस, और थोड़ा बहुत हमने जो जमा करा होगा घर पे वो उसमें प्लस करके भर देते, कुछ ना कुछ मतलब कि रास्ता हो जाता। इस तरह से मैंने सारे फ्यूचर प्लान किए थे सारे। झांसी का बीमा, जब झांसी का जन्म हुआ वही महीने में उसका बीमा निकलवाया, और वो 18 साल की हो जाती तो उसके बाद सारे थोड़े थोड़े पैसे ऐसे हमारे अकाउंट में पड़ जाते। तो इस तरह से मैंने सब कुछ प्लान करके ही फ्यूचर प्लान किया था मैंने, तो सारे बैंड बजा दिए। अब मुझे 2 से 2.5 लाख रुपये चाहिए इस सारे पैसे भरने के लिए। तो फिर क्या किया, इसमें कुछ नहीं हो सकता, इसमें ऐसा बोला कि अगर आप बीच में से इसको निकलवा देंगे ना तो 30% ही पेमेंट आपको मिलेगा। तो मैं 30% ही क्यों लूँ, सारे ले लो ना यार, इतनी में मुझे वो लगी है, खोट लगी है, इतना हुआ है तो और थोड़ा ज़्यादा और क्या। फिर इसमें तो क्या किया मैंने, झांसी का जो पिगी बैंक होता है ना झांसी और दिव्या का, इसको मैंने तोड़ दिया उस इंसान के सामने नीचे, और थोड़ा पैसा मेरे पास जो जमा किया था ना वो पैसा जमा करके ये दोनों मैंने भरा। उसको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई यार कि मेरी इतनी लापरवाही की वजह से मेरे बच्चों ने 1-1 रुपया जो जमा किया था वो सब कुछ मेरे सामने तोड़ कर मुझे दे रहे हैं, और ये भी 15-20 दिन के नहीं, 1 महीने के बाद भरा, ये वो भी इधर उधर होकर। ये तो मैंने ये 12 महीने में एक बार भरने का होता है, तो अभी मैं दूंगी तब जाकर वो भरेंगे। उनको कुछ बच्चों का फ्यूचर या घर परिवार उनको कुछ नहीं चाहिए, बस उनको जलसा करने दो। ऐसे जैसे 5 लाख रुपये बर्बाद किए, बीच की जो पेमेंट बर्बाद की, ऐसे उसको बर्बाद करने दो तो अच्छा लगता है।
किसी की रोक टोक नहीं चाहिए। ये जो LIC के पैसे थे ना, तो जो दीघा का बीमा मैंने खुलवाया तारापुर अनिल भाई के पास, तो अनिल भाई ने बोला, अनिल भाई को मेरे भाई ने बताया होगा, तो फिर अनिल भाई ने बोला कि कोई बात नहीं, इसके पैसे मैं आपको निकलवाऊंगा। उन्होंने जो पैसे निकलवाए ना, तो उनके अकाउंट, मेरे अकाउंट में थोड़े पैसे पड़े थे और थोड़े पैसे उनके अकाउंट में, ज़्यादा पैसे उनके अकाउंट में पड़े थे, तो इसमें भी हमें लॉस गया। वैसे तो बीच में फिक्स तोड़ी तो वो फिक्स में भी हमें लॉस गया, तो फिर उसमें भी मुझे 6,000 कम दिए, क्योंकि वो तो हिस्सा भी था कि यहाँ से जैसे पैसे आया तो हमने जहाँ जहाँ हमारा जो बाकी रहता था उसमें ही जोड़कर सारे पैसे लगा दिए थे, तो उसमें तो हिसाब रहता है कि यहाँ से आया, यहाँ किया, यहाँ किया। जैसे मैंने जो पैसे इसमें से आए थे, तो 10,000 की दिव्या को साइकिल ला दी थी, क्योंकि मुझे पता था मेरे पास पैसे है तो उसकी साइकिल ला दूँ आज, नहीं तो कल। अभी तो उसको मैं ऐसे कोई ऐसे एक्टिवा कुछ दे नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेन हाईवे से जाना आना होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो उसको मैंने 10,000 की जैसे साइकिल ला दी, तो दूसरे पैसे यहाँ लगाए, ऐसे लगाए, यहाँ लगाए। लास्ट में मैंने जब कैलसी की तो 6,000 कम हो रहे थे, मैंने 10 बार की। तो मैंने उस टाइम भी इस इंसान पर भरोसा करके उस टाइम भी मैंने पैसे की गिनती नहीं की थी। और जो 5 लाख का हिसाब है ना, अपने स्कूल में कैसे दिया पता है आपको? तेल का मतलब हम रेगुलर जो ऑयल यूज़ करते हैं घर में, वो लाया, फूल आया, यहाँ गए, वहाँ पे, वहाँ गाड़ी में गैस लगवाई, बच्चों के पीछे आज बच्चों ने 10 रुपये मुझे मांगे, ऐसे ऐसे। अरे यार, 5 लाख रुपये आपके पास था तो सब कुछ आता था, तो आज नहीं आता है क्या? आज गाड़ी में गैस नहीं लगती है क्या? अब आज बच्चे पैसे नहीं बाहर जाकर ऐसे खर्च करते हैं क्या? 10-10 रुपये का हिसाब। मोरबी गए तो मोरबी इतने खर्च हुए, 1-2 लाख रुपये खर्च किए क्या? और उनके स्कूल के सर है ना, वो कैसे है पता है? तेरी भी चुप और मेरी भी चुप। उनको ऐसा है कि इस इंसान को मुझे सब पता है यार, फिर भी मैं चुप हूँ, क्योंकि मेरा सिक्का है ना वो गलत है, इसलिए मैं चुप हूँ, और मैं इसलिए चुप नहीं हूँ। कभी कभी ऐसी बातें होती है ना, ये तो मैंने आपको जनरली ही बातें बताई है, ऐसी ऐसी बातें हैं ना जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, ऐसी ऐसी बातें हैं। मैं इसलिए सब दबा कर बैठी हूँ कि मेरा फ्यूचर जो होना था, मेरा फ्यूचर जो होना है वो तो है, मुझे पता है। मेरा जो पास्ट जो होना था वो हो गया, और मेरा प्रेजेंट जो है, आज जो है, वो मुझे पता है, पर मेरा बच्चों का फ्यूचर गलत ना होना, इसलिए मैं सब कुछ चुप रहकर सहती हूँ। क्योंकि आज मैं किसी को बोलूँगी ना, तो कल कोई मेरे बच्चों को सुनाएगा दो बातें। इन लोगों को तो शर्म नहीं आती, ये तो बाहर जाकर सब कुछ ऐसे फैला ही देते हैं। इनको ऐसा नहीं होता है कि मेरे अपनों की मैं बात कर रहा हूँ, ये बच्चों तक भी नहीं छोड़ता है इंसान। मैंने 20 साल तक ये सब कुछ किया है, तब यहाँ तक खड़ा हुआ है, तो मैं क्यों घर के बाहर निकल जाऊँ? मेरे बच्चों का फ्यूचर है इस घर में, मैंने मेहनत की है। ऐसे नहीं है कि जब काम आया था तब निकल गए, जब काम ख़त्म हो गया तब आ गए, तब नहीं रखते थे तो अब हम रखते हैं क्या? अब हम कुछ गलत नहीं करते हैं इसके साथ? मैं है ना, एक दिन जब भी मुझे मौका मिलेगा ना, ये जहाँ जॉब करते हैं ना, और उनके साथ जो सर है ना, उनको ज़रूर मैं पूछूंगी कि यार आप लोग एक ही साइड की बातें सुन सुन कर कोई भी फैसला ले सकते हो क्या? आपको जरूरी नहीं लगता कि सामने वाले इंसान भी अपनी बात रखे? बस एक इंसान की बात सुन ली और फैसला सुना दिया, वही सही है, सामने वाला कुछ बोला नहीं है, उसने कुछ बात रखी नहीं, तो वही गलत है क्या? आप अपने घर की जिम्मेदारी नहीं लेते हो? आप अपनी बीवी बच्चों की जिम्मेदारी नहीं? आप अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते? आप अपने रिलेशन के यहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हो? सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है? पारिवारिक जिम्मेदारी कुछ भी नहीं लेते हो? इस इंसान ने तो कुछ भी नहीं लिया है, अभी तक तो मेरे मायके में भी नहीं आ रहे थे। ये इंसान मेरे साथ जो कर रहा है, आप अपने घर पे जाकर अपने बीवी बच्चों के साथ थोड़ा थोड़ा सा करके दिखाइए, फिर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मैं तो यहाँ अपने बच्चों को लेकर यहीं घर में रह रही हूँ, लड़कर झगड़कर और सर फोड़कर भी रहूँगी मैं यहाँ पर।
ये मेरा घर है, मेरे बच्चों का फ्यूचर है इस घर में। बस कुछ भी बोल दो यार, कुछ भी आप सोच लो। 5 लाख की जब आपको हिसाब दिया उसने, 50 रुपया, 10 रुपया, 1,000 रुपया, वो 5 लाख का हिसाब नहीं होता है। आज मैं 0 बैलेंस पर आ गई हूँ, इस इंसान ने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया है। ना ही मैं इधर जा सकती हूँ, ना ही मैं इधर जा सकती हूँ, ना ही मैं मर सकती हूँ, ना ही मैं जिंदा रह सकती हूँ। कभी कभी किसी के बारे में बोलने से पहले, सोचने से पहले इतना सोच लो कि उसी के जगह पे अगर आप होते तो आप पर क्या बीतती। बहुत इजी है किसी के बारे में ऐसे सोचकर उसका फैसला सुना देना, उसके बारे में कुछ भी कमेंट कर लेना, कुछ भी। गुस्सा आता है यार कि सच में यार पढ़े लिखे ऐसे हैं तो उससे अच्छा गवार लोग हैं। कम से कम सोचने की क्षमता तो रखते हैं, सोच तो लेते हैं। तो फ्रेंड्स बस यही बातें थी, कोई मामूली बात नहीं होती है यार। मैंने यही, मेरा भरोसा था ना जहाँ पर, वहीं पे भरोसा टूटा। मैंने सोचा कि नहीं यार, मेरे घर का इंसान है, थोड़ी गोलमाल करेगा इस सब बातों में, ये थोड़ी ना गोलमाल करेगा। मेरे बच्चों का फ्यूचर है ये फ्यूचर तो मैंने दाव पर लगा दिया। ये जो सारे फ्यूचर है ना, ये सारी फिक्स की बुक है, ये सारे फ्यूचर मैंने दाव पर लगा दिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक और ऑप्शंस था, इस इंसान ने मेरे पास ए भी ऑप्शंस नहीं रखा। तो बस पता नहीं, ये सारी बातें आपसे मैंने की है तो आप क्या सोचोगे। पर सच में यार, आपकी जो नींव होती है ना, वो कमज़ोर होती है ना, तो बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ। और जो लोग होते हैं ना, वो आपके बारे में सोचते भी गलत हैं और बोलते भी गलत हैं। तो मैंने अब लोगों की परवाह करना छोड़ दिया है, मैं नहीं करती हूँ। जिसको जो बोलना है ना मेरे बारे में वो बोले, और जो सोचना है ना वो सोचे। क्योंकि मुझे पता है मैं क्या हूँ, क्या कर रही हूँ, सब कुछ मुझे पता है। बस कुछ नहीं, बस मैंने पहले भी बोला था कि मेरे यूट्यूब पर आने का रीज़न यही है कि ऐसे कुछ करने से अच्छा है कि कुछ ऐसा काम करते रहो जो शायद आपकी किस्मत चमक जाए, तो आपके बच्चों की किस्मत भी चमका सको आप। तो बस फ्रेंड्स, यही बातें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। प्लीज़ ऐसे पूरी बात सुने बिना ही कमेंट मत कर देना, और समझे बिना ही कमेंट मत कर देना। बहुत तकलीफ़ होती है अगर एक कमेंट गलत आ जाती है ना। तो एक बार सिर्फ मेरी जगह पे आप खुद को रख कर सोचिए। जो हंसता हुआ चेहरा है ना, उसके पीछे मैंने बहुत कुछ छुपा कर रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। बस बहुत टाइम हो गया है, अब सोऊँगी नहीं, घर का जो काम है वो स्टार्ट कर दूँगी। क्योंकि अब सो जाऊँगी तो अभी भी मुझे नींद नहीं आ रही है, अभी मैं सो जाऊँगी तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। Bye.